हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आज के वीडियो में इस वक्त मैं परशुराम महादेव मंदिर के प्रीमाई से इसमें हूँ यह जगह परशुराम महादेव है जो कि सादड़ी से 10 किलोमीटर ऊपर है तो ये कुंबलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और मंदिर का जो आधा भाग है वो राजसमंद जिले में आता है जो कि मेवाड़ कहा जाता है और नीचे का जो ये आधा भाग है ये पाली ज़िले में आता है जिसे मारवाड़ कहते हैं ये यहाँ का पार्किंग है अभी फ़िलहाल खाली है लोग नहीं है यहाँ पर ज्यादा य यहाँ पर सावन में काफ़ी बड़ा मेला लगता है तो बहुत भीड़ होती है उसके अलावा जो पूनम का दिन होता है या सोमवार का दिन होता है तो लोग यहाँ पर आते हैं तो हमें यहाँ से डेढ़ किलोमीटर ऊपर जाना है जहाँ पर परशुराम महादेव मंदिर की गुफा है ये गुफा मंदिर है और कहते हैं यहाँ पर भगवान परशुराम ने महादेव की तपस्या की थी ये गेट है देखो यहाँ से एंट्री और बंदर देखो कितने सारे बैठे ये देखो <laughs> तो मैं सुमेरपुर से सुबह साढ़े नौ बजे निकला था सुमेरपुर मेरा नेटिव प्लेस है मैंने आपको बताया था और अभी इस वक्त लगभग ग्यारह बज गए हैं और मेरे साथ मेरे पापा है तो पापा साथ में है इन्होंने बोला चलो मैं भी आता हूँ काफ़ी सालों से गया नहीं हूँ परशुराम जी मैंने बोला चलो साथ में बढ़िया है घूम भी लेंगे और वीडियो भी बन जाएगा इस गेट से मैं अंदर आया हूँ और जैसे ही इस गेट से हम अंदर आते हैं पास में यहाँ पर ये कुंड है यहाँ पर सारे लोग नहा के फ्रेश होके और उसके बाद में ऊपर की तरफ जाते हैं यहाँ से सामने ये सीढ़ियाँ दिख रही है यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है ये देखो यहाँ से इस तरह से ये पानी आता है कुंड में यहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर का नाम है अमरनाथ महादेव बड़ा सा शिवलिंग है यहाँ पर ये भी एक मंदिर है और परशुराम जी का ही मंदिर है ये परशुराम महादेव का जो लोग ऊपर नहीं जा सकते वो यहाँ पर दर्शन करते हैं तो उसके लिए ये मंदिर नीचे बनाया हुआ है सामने भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति है और नीचे ये शिवलिंग है तो ये सीढ़ियाँ हैं देखो आप और एकदम खड़ी सीढ़ी है लेकिन ये सीढ़ियाँ यहीं तक है उसके बाद में फिर पूरा रास्ता बना हुआ है ऊपर की तरफ ऊपर आते ही देखो यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है पाली ज़िले की सीमा समाप्त राजसमंद जिले की सीमा प्रारंभ और मुख्य मंदिर यहाँ से डेढ़ किलोमीटर है तो अभी हम आ गए हैं राजसमंद ज़िले में पीछे जो था वो पाली ज़िला था अभी यहाँ पर कोई नहीं है इतना अच्छा लग रहा है पक्षियों की आवाज़ आ रही है और एकदम शांति फील हो रही है पीस महसूस हो रहा है पूरा काफ़ी सारे लंगूर है देखो आप तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो कोई बैग वगैरह हो हाथ में तो लकड़ी रखना हाथ में नहीं तो लंगूर आपसे छीन लेंगे थैली वगैरह जो भी होगा ये जो आप पेड़ देख रहे हो सारे ये सीताफल के पेड़ है क्योंकि मैंने आपको बताया ये ज़िला बदल गया है राजसमंद ज़िला है और मेवाड़ स्टार्ट हो गया है तो मेवाड़ में सीताफल बहुत होता है सामने जो पहाड़ देख रहे हो ये अरावली के पहाड़ है अरावली पर्वतमाला है और यहीं पर ऊपर आगे कुंभलगढ़ है जो कि यहां से दस किलोमीटर है कुछ श्रद्धालु दिखे मुझे अभी काफी समय बाद ओम नमर्शिवाय। ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। एक प्याऊ भी बनी हुई है यहाँ पर देखो आप अमर गंगा लिखा हुआ है यहाँ पर और इतने सारे बंदर है लंगूर है देखो तो ये बीच में रेस्ट करने के लिए एक बना हुआ है स्टॉप हम लोग लगभग आधा पहुंच गए हैं आधा और बाकी है ओम नमः शिवाय हर हर महादेव हर महादेव हाल के वक्त में पचास से साठ यात्री आते हैं यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं बाकी श्रावण महीने में ये पूरा भर जाता है चलने की जगह नहीं होती है और ख़ास करके मॉनसून सीजन में ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं सूखे सूखे ये सारे ग्रीन होते हैं और पूरे पहाड़ जो अभी आपको येलो दिख रहे हैं वो भी ग्रीन होते हैं फॉग ही फॉग होता है मानसून में तो बेस्ट व्यू अगर चाहिए तो मानसून में आपको यहाँ आना चाहिए बाकी आप विंटर में भी आ सकते हो तो ऊपर आए हैं थकान हो गई है तो नींबू शरबत पीते हैं पानी अच्छा है हाँ। बढ़िया का अगर पूजा का सामान यहाँ तो मिल रहा है पत्र कितने का है ये बीस रुपए का दिल दिल दे दो लाओ। तो सामने है परशुराम महादेव का गुफा मंदिर यहाँ से दिख रहा है तो लगभग लगभग हम पहुँच गए हैं नीचे से ऊपर चलते चलते आधा घंटा हुआ हमें यहाँ पर सारे प्रसाद के स्टॉल हैं प्रसाद चाहिए तो आपको यहाँ मिल जाता है सारा तो ये एक गेट है यहाँ से आगे बढ़ना है ऊपर के लिए और यहाँ पर भगवान परशुराम जी का एक चित्र लगा हुआ है तो आगे बढ़ते हैं तो बड़ा सा भवन है देखो आप जब मेला होता है तो यहाँ पर सारी व्यवस्था होती है खाने पीने की रहने की और नीचे भी काफ़ी सारी धर्मशाला है जहाँ से हमने शुरुआत की थी और ये देखो यहाँ पर पानी का कुंड है और ये नीचे का नजारा है वहाँ से हम आए हैं आगे से नीचे से बंदर हाँ ये देखो स्वागत के लिए बैठे हुए हैं सारे <laughs> तो यहाँ से लगभग 170-75 सत्तर सीढ़ियाँ हैं उसके बाद में गुफा मंदिर है परशुराम महादेव का यहाँ से फिर नीचे उतरना है और वहाँ से फिर आगे इस तरफ ऊपर जाना है ये जो दो चट्टान है ये जो दो वो पहाड़ है इनके बीच में केव है हर हर अर महादेव।, महादेव ओम नमः शिवाय तो ये है भगवान परशुराम महादेव का गुफा मंदिर और यहाँ पर ये शिवलिंग है और ये पूरी गुफा है दो पहाड़ जो मैंने आपको बताए थे नीचे से वहां है ये त्रेता युग में भगवान परशुराम जी ने यहाँ पे आके शंकर भगवान आ, की आराधना की थी अच्छा पिता की आज्ञा से परशुराम जी ने माँ का वध किया था तो उसका वो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया उसका निवारण कहीं हुआ नहीं अच्छा। तो फिर मातृकुंडिया गए वहाँ पे स्नान किया तो वहाँ से वो पाप का निवारण हुआ फिर इस गुफा द्वारा यहाँ आके शंकर भगवान की तपस्या की तो शंकर भगवान सब परिवार सहित यहाँ प्रकट हुए इसमें पंचमुखी है पूरा ये अच्छा ये शिवलिंग पंचमुखी है और जिस समय परशुराम जी यहाँ तपस्या करते है उस समय एक नरभक्सी राक्षस आया तपस्या भंग करने उसका ये सिर है अच्छा बाल्टी के पास में है ना अच्छा ये धड़ है पीछे अच्छा और ये है गौ मो इसमें से बूंद बूंद बारी जल अभिषेक होता ही रहता है घड़ा बनने की आवश्यकता नहीं यहाँ अच्छा ये इसका जो शेप दिख रहा है ये गोमुख वो है जैसे पद्मासन लगा के बैठे हुए उनके हृदय के, के अंदर ये है शंकर भगवान दोनों छोटे छोटे लिंग बने हुए हैं देखो अच्छा। ये राइट में ये लेफ्ट में जी बिल्कुल और एक गोदी में है गणेश जी उधर उस तरफ यहाँ पर हाँ और इधर है कार्तिक है ये अच्छा जैसे अपन बैठते ऐसे तो खड़े रहते ही है। जी बिल्कुल। एक यहाँ पे, पे खोखली अच्छा, अच्छा। अच्छा। तो ये गुफा मान सकते है अच्छा। पहले ये बंद होगा और रोशनी के लिए वो वहाँ पे छेद था ऊपर छेद दिख रहा है ये काल पेरु बिल्कुल काली सी प्रतिमा ये गोरे पेरु नीचे से हाँ ब्लैक दिख रहा है जो बिल्कुल तो हम यहाँ से गए थे गुफा मंदिर के लिए फिर हमने दर्शन किया और उसके बाद में हम यहाँ से घूमते हुए नीचे आए हैं ये वो रास्ता है जहाँ से हम आए हैं पाली से राजसमंद जिले में हम आए थे वो वाला और इस तरफ में आगे ये जो रास्ता जा रहा है ये कुंबलगढ़ साइड का है तो दोनों रास्ते यहाँ पर मिलते हैं नीचे और यहाँ से फिर आगे इस तरफ़ में यह गुफ़ा मंदिर है हम लोग 12 बजे गए थे ऊपर दर्शन करने के लिए और अभी इस वक्त दो बज रहे हैं तो दो घंटे लगे हमें दर्शन करके नीचे आने में तो नीचे आ गए हैं और अभी भूख लग रही है क्योंकि दो बज गए हैं तो यहाँ पर एक भोजनालय है शिव शक्ति भोजनालय है यहाँ पर मिलती है दाल बाटी तो दाल बाटी खाएँगे और उसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ेंगे बढ़िया राजस्थानी दाल बाटी खिलाओ तो थाली रेडी है देखो आप ये है बाटी एकदम गरम गरम घी वाली गरम गरम दाल है प्याज है पापड़ है नींबू है और ये लहसुन की चटनी है तो इस तरह से खाया जाता है देखो दाल बाटी बाटी को चूरा जाता है फिर दाल उसमें डाली जाती है उसके बाद में नींबू प्याज मिला के खाया जाता है तो शुरू करते हैं तो दाल बाटी खाली मजा आ गया और राजस्थान में सबसे बढ़िया वाली जो दाल बाटी मैंने खाई है वो यहाँ पर खाई है परशुराम महादेव में और एक मैंने खाई थी उदयपुर सिटी पैलेस में वो याद है तो बहुत अच्छी दाल बाटी मिलती है यहाँ पर परशुराम जी में आप आओ तो खा के जाना तो खाना हो गया है अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो इस वक्त मैं हूँ ऊँट संरक्षण केंद्र पर ये आप पीछे बोर्ड देखोगे कैमल कंजर्वेशन सेंटर तो परशुराम महादेव मंदिर से ये जगह लगभग नौ किलोमीटर नीचे की तरफ है सादड़ी जाते हैं तब बीच में राजपुरा गांव आता है वहाँ से दो किलोमीटर अंदर गाड़ी लेते हैं तब ये जगह आती है तो ये ऊट संरक्षण केंद्र है कैमल कैफ़े देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है और ये है कैमल डेयरी यहाँ पर ये सारी हट बनी हुई है देखो आप और इस तरफ में भाई साहब हैं उनसे पूछते हैं तो मैं अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर ये भाई साहब मुझे मिले हैं इनका नाम रमेश कुमार है ये यहाँ पर काम करते हैं वर्क करते हैं तो इनसे जानते हैं इस जगह के बारे में और क्या प्रोडक्ट यहाँ पर बनाए जाते हैं सब कुछ इनसे जानते हैं तो ये देखिए सर ये कैमल मिल्क सोप है अच्छा इसमें पुराना मेथड यूज करते हैं मुल्तानी मिट्टी यूज करते हैं और नारियल अच्छा, का तेल अच्छा, और कैमल मिल्क है सर, अच्छा और ये कैमल मिल्क है सर इस तरह से फ्रोजन फॉर्म में आप तीन महीने तक इसको रख सकते हो जैसे पीना हो आधा घंटे पहले मिल निकाल तो मेल्ट हो जाएगी फिर आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो अच्छा इस... डायबिटीज वाले मंदबुद्धि के बच्चे टीबी वाले कैंसर वाले पीलिया है मेडिसिनल तौर यूज़ हो रहा है अच्छा ये चीज है कैमल क्रीम चीज बनाते हैं इसमें तीन फ्लेवर है ब्लैक पेपर रेड पेपर और ग्रीन पेपर सर पेड़ पे रोटी पे लगा के आप खा सकते हैं अच्छा और ये देखिए फैटा चीज है सर क्या है ये फैटा चीज जैसे पनीर टाइप पनीर के पीस होते हैं ऑलि में रहता है उसमे कुछ बाकी जैसे लहसुन है काली मिर्च है कुछ मसाला रखते हैं अच्छा ए, तो ऐसे आप बाहर निकाल के पीस टाइप पीस खा सकते हैं अच्छा और ये कैमल घी है है सर क्या घी जी अच्छा कैमल का घी है ये कैमल का घी तो ये व्हाइट क्यों है बिल्कुल बिल्कुल व्हाइट होता है सर वो तो क्या गाय भैंस को तो पौष्टिक आहार भी देते हैं लेकिन उड़ तो नीम के पत्ते के पत्ते नेचुरल खाता ने खाते अच्छा। उसकी वजह से प्योर है और लो फैट होता है सर अच्छा जी तो ये सारे प्रोडक्ट आप यहाँ पर बनाते हो यहाँ पे बनाते और ये कहाँ पे कहाँ पे जाते हैं प्रोडक्ट अच्छा। आपके जैसे दूध है ये तो ऑल ओवर इंडिया जाता है अच्छा मेडिसिनली तौर पे जैसे चीज है जैसे होटलों वाले है मतलब राजस्थान तक ही सीमित है और भी ऑल ओवर इंडिया सर इसमें क्या मल

कच्छ के रण में जो हट होती है उस तरह की हट है ये और यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हो थाउजेंड रुपीज़ का चार्ज है पर नाइट का यहाँ पर बाकी यहाँ पर खाने पीने की भी व्यवस्था हो जाती है चलिए शुक्रिया धन्यवाद तो ये ऊँट संरक्षण केंद्र था मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं ऊँट से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं ऊँट के दूध से ऊँट के बालों से ऊँट की लीद से वो सब सामान बनाते हैं यहाँ पर और सारा ऑर्गेनिक होता है तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं अभी हम आ गए हैं रानकपुर जैन मंदिर पर ये पीछे गेट है रानकपुर तीर्थ का रानकपुर जैन मंदिर के अंदर जाने का तो यहाँ से अंदर चलते हैं और ये जगह परशुराम महादेव से लगभग 20 किलोमीटर है और उदयपुर यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर है तो यहाँ पर यह पार्किंग है अंदर आते ही और ये रास्ता आगे की तरफ जाता है और यहीं पर आगे है रानकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर तो हम लोग उस गेट से आए हैं अंदर ये यहाँ का पार्किंग है मैंने आपको बताया और यहाँ पर ये एक सर्कल है कलश वाला तो इस सर्कल से जब हम सीधा जाते हैं तो सामने नमीनाथ भगवान का जिनालय है और इस तरफ में पार्श्वनाथ भगवान का जिनालय है ये वाला जो दिख रहा है और यहाँ से जब हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा तो वहाँ पर मुख्य मंदिर है जो कि आदिनाथ भगवान को समर्पित है तो यहाँ से पहले मुख्य टेम्पल की तरफ़ बढ़ते हैं यहाँ पर कुछ जानकारी लिखी हुई है तो ये मुख्य मंदिर है आदिनाथ भगवान का राणापुर जैन टेम्पल जो कि बड़ा ही प्रसिद्ध है और यहाँ की कारीगरी बेमिसाल है इस तरफ में यहाँ पर यह टिकट विंडो है यहाँ से हम टिकट लेंगे उसके बाद मंदिर में जाएंगे। यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है आप स्टॉप करके पढ़ लेना अगर आपको पूरा पढ़ना हो तो तो मैं मंदिर से बाहर आ गया हूँ पीछे राणकपुर का आदिनाथ भगवान का मुख्य मंदिर है ये और यहाँ पर अभी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है प्रोफेशनल वीडियोग्राफी ये लोग अलाउ नहीं करते हैं यूट्यूब वगैरह के लिए अगर आपको वीडियो बनाना तो भी अलाउ नहीं करते हैं मैं जब यहाँ वीडियो बना रहा था तो मुझे यहाँ की सिक्योरिटी ने रोका था तो अभी जो समय शिखर जी का मामला चल रहा है टूरिज्म स्पॉट घोषित किया उसे वहाँ की गवर्नमेंट ने तो इसका काफ़ी विरोध हो रहा है जैन समाज इसका काफ़ी विरोध कर रहा है तो इनका भी यही कहना है कि हम इसे टूरिज्म स्पॉट नहीं बनाना चाहते ये हमारी आस्था का प्रतीक है ये हमारी धार्मिक जगह है तो इसके लिए मैं अंदर गया तो केवल मोबाइल लेके गया था और मोबाइल से मैंने सिर्फ आर्ट के पिक्चर्स वीडियो लिए हैं वो अलाउ करते हैं बाकी आप डॉक्यूमेंट्री नहीं कर सकते मंदिर वगैरह नहीं बता सकते भगवान को नहीं दिखा सकते तो इस तरह के सारे रिस्ट्रिक्शन हो गए अभी यहाँ पर तो यही वजह है कि मैंने सिर्फ अंदर आपको आर्ट दिखाया और वो भी बिना आवाज में बिना डॉक्यूमेंट्री में इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो आदिनाथ भगवान का मुख्य मंदिर था रणकपुर जैन तीर्थ का सबसे मुख्य मंदिर और ये नैमिनाथ जी भगवान का देरासर है तो ये भी मैं सिर्फ आपको बाहर से बता रहा हूँ इस गेट से जब हम थोड़ा बाहर जाएंगे तो यहाँ पर सूर्य मंदिर है सूर्य टेम्पल है सन टेम्पल तो ये रानकपुर जैन तीर्थ का गेट है बाउंड्री है और सूर्य मंदिर पहले अंदर था इस बाउंड्री के अंदर ही था रानकपुर जैन तीर्थ के साथ में शामिल था लेकिन उसे अब अलग कर दिया गया है और पास में ही है यहाँ से इस तरफ से ये बिल्कुल पास में ही है ज़्यादा दूर नहीं है तो सामने है सन टेम्पल सूर्य मंदिर और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है सूर्य नारायण मंदिर श्री एकलिंग जी ट्रस्ट सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स उदयपुर तो सन टेम्पल के अंदर आ गया हूँ मैं यहाँ पर सामने बैठने की व्यवस्था है काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है तो ये सन टेम्पल है तो ये सन टेम्पल है जो मैंने आपको बार बार से बताया अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है इस वजह से मैंने आपको इसकी कार्विंग दिखाई बेहद ही सुंदर है और ये इसके आसपास का नज़ारा देखो आप पहाड़ों के बीच में ये जगह है रानकपुर कुंभलगढ़ परशुराम महादेव रानापुर जैन टेम्पल पास पास में ही है पच्चीस से तीस किलोमीटर में सब आया हुआ है तो अगर आप कुंभलगढ़ आते हो या अगर आप उदयपुर आते हो तो ये सब कुछ कवर कर सकते हो यहाँ पर घूम सकते हो आपको एक दिन चाहिए ये तीनों जगह घूमने में तो ये था आज का वीडियो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना शेयर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय सी यू टेक केयर अपना और अपनों का खास ध्यान रखना वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया तुम्हारा खूब खूब आभार आप जो...